जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो बहुत सालों से चैलेंज है कोर्ट में और हेयरिंग पे नहीं आ रहा, तो कभी ना कभी उस पे हेयरिंग होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो डेफिनेटली इज़ अ लॉ विच डिस्क्रिमिनेट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दूसरी चीज़, एक एक ही लीजिए क्वेश्चन, मैं भूल जा रहा हूँ, आपका दूसरा वाला क्या था? राइट। देखिए, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसमें कोई तरमीम मुमकिन नहीं। ऐसी जो भी तरमीम होगी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं होगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे स्विच ओवर नहीं होगा, नहीं, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं होगा। आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है या वाई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको, और मैंने रूसो का जिक्र किया जब मैंने ये कहा कि वो कंसेंट है और विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जनरल विल की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लिया मैंने। लेकिन तीनों जो हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, तीनों की ये तो एक बात है कि स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट से बनी, और वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हमने किया था कि हमारे हुकूक पामाल ना हो। अब अगर स्टेट हमारे राइट्स को वायलेट करती है तो हम अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं, ये बात हो गई। देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे पार्लियामेंट को बिहेव करना चाहिए वैसे नहीं बिहेव किया। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हेजीमनी ऑफ एग्जीक्यूटिव ले आए। अब ये हेजीमनी ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है, यानी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो बुनियादी उसूल है उसी का वॉयलेशन है। मैं आपको एक बहुत छोटी एग्जाम्पल दूँ, गवर्नमेंट आप कहते हैं क्या है, पार्लियामेंट्री, यानी पार्लियामेंट की गवर्नमेंट है ना, यानी गवर्नमेंट को अंडर होना चाहिए पार्लियामेंट के। अब उसूल ये है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और किसी ने उस कानून को चैलेंज किया तो हुकूमत उस कानून का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगी, क्योंकि हुकूमत पार्लियामेंट के अंडर में है, और पार्लियामेंट बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट। जैसे हुकूमत जो है वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में हम ऐसे नहीं जानते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी वर्सेस सो और फला वर्सेस इंदिरा गांधी, हम जाते हैं एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो कोई रिलीजन से पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका। कई केसेस ऐसे हो गए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तफसील आपके सामने अर्ज करूं, जहां गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को अबंडन कर दिया,
यानी पार्लियामेंट के लॉ को चैलेंज किया जा रहा है और गवर्नमेंट उसको डिफेंड करने के बजाय अपोज कर रही है। ये डेंजरस सिचुएशन है। दैट्स ओके। ऐसा आपने क्यों बनाया था? हमने ये बनाया था कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को। अब अगर हम खुद ही कंट्रोल हो जाएं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए अच्छी चीज नहीं है। दोनों सिस्टम में बुराइयां हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में कम बुराई है। हम उसके यूज टू थे, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम 200 साल तक उसमें काम कर चुके थे, इसलिए हमने उसको एडॉप्ट किया था। पर्सनल कैरिश्मा ऑफ अ लीडर वर्क ना करे, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाई थी। अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल मॉडल में विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं, वो भी अच्छी चीज नहीं है। इलेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए एक्स वर्सेस वाई। नहीं ला सकते, क्योंकि वो बुनियादी हिस्सा है। नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा पूरा, तब ला सकते हैं। आपके सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि ये कह देना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इधर हैं या उधर, ये उतना स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, इसलिए क्योंकि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही अरुणाचल में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया, हादिया के केस में अगेंस्ट डिसीजन दिया। जजेस के डिसीजंस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन जजेस ह्यूमन बीइंग है, उनसे गलतियां होती हैं, उनको मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए आइडियली। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज थी कि वो हुआ, लेकिन ये कि उसकी वजह से एक किसी को टारगेट किया जाए, ये बात सही नहीं है। चलिए और ले लें इकबाल भाई क्वेश्चंस। आपने अभी अच्छी गुफ्तगू की, गुफ्तगू के दौरान आपने एक तस्करा किया मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में एक सरकार बनी और सरकार बनने के बाद चीफ मिनिस्टर बने और चीफ मिनिस्टर हट गए और फिर वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हो गए। वो सही था गलत था ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किसी हिंदुस्तान में एक रियासत में एक माइंडेड मिला एक सरकार और उसके बाद वही सरकार के चीफ ने रातों रात बदल किया, अपने आप को माइंडेड को तोड़ दिया, सबके तरफ चले गए और ऐसे माइंडेड को जो रिवर्स माइंडेड था जिसको ये कहिए कि पॉजिटिव था नेगेटिव डायरेक्शन के में चले गए, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत बात है। देखिए, कई बार हमारे मुल्क में ये होता रहा कि आप एक पार्टी में इलेक्ट हुए, दूसरे में चले गए, आया राम गया राम, फिर आप डिफेक्शन लॉ लाए, तो डिफेक्शन लॉ भी आपने ऐसा बनाया कि आपने ये कहा देखो भाई ऐसा है कि अकेले अकेले मत डिफेक्ट करना, काफ़ी लोगों को लेके जाना, लार्ज स्केल, छोटा मोटा मत करना। तो ये बात डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी के ख़िलाफ़ है ना। लेकिन ये कि आपकी पॉलिटिक्स की रियलिटी है कि ये हुआ, अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि सिटीजन्स अगर अवेयर होंगे तो वो इस बात को माइंड में रखेंगे जब नेक्स्ट टाइम वोट करें। नहीं, नेक्स्ट, यस। देखिए, ऐसा है, एज पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एन आउटगोइंग सीजेआई इज टू रिकमेंड द नेम ऑफ सीनियर मोस्ट जज इफ ही इज फिट। नाउ फॉर एनी चीफ जस्टिस टू से अबाउट हिज नंबर टू दैट ही इज नॉट फिट अनलेस ही इज वेरी वेरी सीवियरली इल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर आई विल गो बाय दिस that CJI will recommend Justice Gogoi's name
एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद डे बिफोर सेड दैट वी शुड नॉट डाउट दैट गवर्नमेंट विल हैव सम अदर यू नो आइडिया ऑन दिस. सो आई एम प्रेटी श्योर दैट जस्टिस गगोई विल बिकम नेक्स्ट CJI. एज टू योर सेकेंड क्वेश्चन, आइडियली इट शुड नॉट हैव हैपेंड. Judges coming to people for justice is not right. But what judges were saying, that if we don't do it, then the democracy will be in danger. So maybe their means were wrong, but they had a laudable goal. And constitutionalism requires nobody should act arbitrarily. And therefore, any constitutional authority, even the highest constitutional authority, must act fairly, objectively, and reasonably. Yes. Sir, I am Anishwar from KLU Patna. Sir, I am a huge fan of you. I am a huge fan of you. दीपक मिश्रा है, नहीं मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या है. सर, सुप्रीम कोर्ट में रंगनाथ मिश्रा पद जाते हैं, जजेस जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, फिर दीपक मिश्रा, अरुण मिश्रा एंड मेनी जजेस. सर, इज इट नॉट नेपोटिज्म इन सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियरी? देखिए, रंगनाथ मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट से जाने के तकरीबन 25-30 साल बाद आए हैं दीपक मिश्रा, है ना? तो उसे कनेक्ट ना करें, देखिए ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि क्या अवर सुप्रीम कोर्ट रिफ्लेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा, डाइवर्सिटी ऑफ द सोसाइटी. तो ये बात सही हो सकती है कि उसमें दलित रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है, है ना, है ही नहीं ऑलमोस्ट. लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट में एज थिंग्स स्टैंड नाउ कई चीज़ें देखी जाती हैं कि इस हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया या उस हाई कोर्ट का हो गया रिप्रेजेंटेशन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सीनियर था कौन जूनियर था. बट आई टेक योर पॉइंट कि आइडियली सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करे एंड इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड ओनली बाई अपर कास्ट. इसलिए क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज लोगों के कॉजेज हैं उन कॉजेज को अंडरस्टैंड बेटर तब करेगी कोर्ट जब उस कम्युनिटी का आदमी भी वहाँ हो. आई टेक दैट पॉइंट. यस प्लीज सर. ये 2000 बस फिर तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन लॉ का डायनेमिक है ना सर. डायनेमिक तो 2014 में जस्टिस सदाशिवम के बेंच में कई और बेंच जस्टिस गोगोई वगैरह उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो ये है इंटरफेरेंस ऑब्जेक्शन है कि अडॉप्शन नहीं किया जा सकता, तो वो उन्होंने ओवरराइड कर दिया था पर्सनल लॉ को और बनाया था कानून केस लॉ के जरिए कि मुसलमान भी अडॉप्ट कर सकते हैं. इस पर आपका क्या कमेंट है? और दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग मौकों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस कर रही है, हलाला के मामले में, पॉलीगैमी के मामले में, ट्रिपल तलाक के मामले में, अब हो सकता है इनहेरिटेंस के मामले में भी आ जाए, जो शायद आपको रेफर कर रहे थे कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो क्या ये आपका क्या ओपिनियन है कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? एक सर, एक और सवाल है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. आज का टॉपिक ये था कि संविधान पे जो हमला हो रहा है, चुनौतियां हैं, एक आम सिटीजन, एक आम इंडियन सिटीजन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम कैसे इसको रोक सकते हैं या हम क्या रोल अदा कर सकते हैं ताकि जो है इसमें रोक सकते हैं? और दूसरा ये कि जो जैसे आप लोग जो है डायरेक्टर हैं इतने बड़े लॉ इंस्टीट्यूट के, आप लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे आ जाए? साउथ अफ्रीका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक मेजर डिफरेंस है कि साउथ अफ्रीका में बहुत पब्लिक कंसल्टेशन होता है कोई भी लॉ बनाने में, इसलिए वो हमसे, खैर बाद में भी बना उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो 1996 का है, प्रोग्रेसिव है और बहुत पीपल्स पार्टिसिपेशन है. हम ये ना समझें
कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने की है। क्या हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से? क्या हम उनको रिलीजन या कास्ट की बुनियाद पे इलेक्ट करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। क्या आप ऑन मेरिट देखते हैं या उनसे जो रियल क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं? क्या आप कैरीड अवे हो जाते हैं पोलराइजेशन से? अगर आप कैरीड अवे हो जाते हैं फेक प्रोपेगेंडा से, तो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ये कोशिश करूं एज एन एकेडमिक कि अगर कोई जजमेंट गलत है तो बिना डरे उस जजमेंट का एकेडमिक क्रिटिसिज्म करूं। अगर कोई गवर्नमेंट लॉ लाई, जैसे मैंने ट्रिपल डिवोर्स बिल को अपोज किया, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं कहूं कि ये लॉ गलत है, वो मैंने कहा है ना। अब थोड़ा और ज़्यादा इसमें एक्टिव होना चाहिए, हम लोग शायद उतना नहीं हो सकते हैं, तो तभी हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी एज सिटीजन नहीं पूरी की। आपका जो सवाल है पर्सनल लॉ से रिलेटेड, देखिए जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम में किसी बच्चे को एडॉप्ट करना या उसकी केयर करना या उसकी पढ़ाई कराना, इसकी पाबंदी नहीं है। बहुत ही टेक्निकल ज़रा सा मामला है कि आप नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, है ना। उस पर भी अब पाकिस्तान के और इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनमें लेटेस्ट ज्यूरिस्टिक व्यू ये है कि भाई अगर स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, वो पूछेगा बच्चे का बाप क्या है, तो आपको लिखाना पड़ेगा अपना नाम, तो लिखा दीजिए, है ना। तो एडॉप्शन के ऊपर जो हमारा क्लासिकल लॉ है और जो मॉडर्न लॉ है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। देखिए आ हज़रत ने तो खुद ही हज़रत जैद को एडॉप्ट किया था, वो भी आपने किस्सा उलमाए किराम ईद के दिन सुनाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे और वो बच्चा ऑर्फन था और उसे वो ले आए और उसे कपड़े पहनाए और उसे कहा क्या तुम इस पे खुश होगे कि फातिमा तुम्हारी वो आयशा तुम्हारी माँ बन जाए और मोहम्मद तुम्हारे बाप। तो एडॉप्शन के ऊपर कंप्लीट वो नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या वो इनहेरिट करेगा एज ए वारिस। तो उसमें हमारा लॉ ये कहता है कि एज ए वारिस इनहेरिट नहीं करेगा, लेकिन हमारे लॉ में वसीयत अलाउड है, तो आप 1/3 उसको एज वसीयत दे के कंपनसेट कर सकते हैं या आप उसके लिए हिबा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं उस जजमेंट को इतना बड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए वो नहीं मानता इंटरफेरेंस, क्योंकि कंट्री का एक एडॉप्शन लॉ अलग है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक अलग है। उस एक्ट के तहत कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए हैं जो सारे लोगों पर लागू हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में तो मैंने आपको जवाब दे दिया। पर्सनल लॉ के बारे में मेरी ज़ाती ख्याल राय ये है, जिसको मैंने कई बार लिखा भी और बोला भी, कि मैं पर्सनल लॉ को लॉ नहीं मानता। अब इस पर कुछ हमारे अहले किताब लोग नाराज़ हो सकते हैं। देखिए लॉ की जो तारीफ दस्तूर के अंदर है, आर्टिकल 13 के लिए पर्सनल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसमें लॉ की तारीफ दी है वो है कि लॉ इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस तो नहीं है ना, ऑर्डर, ऑर्डर तो गवर्नमेंट देती है, म्यूनिसिपल कमिश्नर देता है, तहसीलदार साहब देते हैं, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, इनमें से कोई चीज नहीं है पर्सनल लॉ। तो लॉ जो है स्टेट इनेक्टेड होता है। मेरी नाकिस राय में, और आप में से बहुत लोग बहुत इनलाइटेंड यहां बैठे हैं, मैं चेहरों से देख रहा हूं, ये अल्लाह ताला की अजीब व गरीब एक मसलहत और स्कीम है कि इस्लामिक लॉ में अल्लाह ताला नहीं चाहते कि आपको एक डेफिनेट लीगल कोड बनी बनाई दे दें कि ये है लॉ। अल्लाह ताला ने लॉ को छुपा दिया है कुरान की वर्सेस में, हदीस में, और आपसे कहा कि लॉ को एक्सट्रैक्ट करो। इसलिए लॉ जो है, इस्लामिक लॉ जो है,
उसमें एक बहुत बड़ा ह्यूमन एलिमेंट शामिल है कि आप अपने दिमाग लगाएंगे कि इस वर्ष का ये मतलब है, इसको उस वर्ष से मिलाएंगे तो उसका क्या मतलब है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि स्कीम ऑफ इस्लामिक लॉ ये है कि आपको बहुत कम कुरान में 7000 से ज़्यादा कुछ आयतें हैं उनमें बहुत कम लॉ से डील करती हैं। कुछ लोग कहते हैं 82, कुछ लोग कहते हैं 200 भी मान ली जाए तो बहुत कम हुई 7000 में 200। तो लॉ जो है वो ह्यूमन स्पेकुलेशन है, कुरान जो है वो एक सोर्स ऑफ लॉ है, वो अपने आप में लॉ नहीं है। इसलिए आपको कुरान पढ़ना है, फिर हदीस पढ़नी है, इज्मा, कयास, पब्लिक इंटरेस्ट, ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, 8-10 आपके चीज़ें हैं, उन सबको मिला के आपका जो फकी होगा वो बताएगा लॉ क्या है। तो इस्लामिक लॉ एक एक्सपर्ट गिवन लॉ है, इसलिए इस्लामिक लॉ स्टेट नहीं बनाती। जो हमारा लॉ है, जैसे हनफी लॉ मैं कहूँ, मैं हनफी हूँ, वो किसी हुकूमत ने नहीं इनेक्ट किया, वो किसी एक इंडिपेंडेंट जूरिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, जो हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनको इंटरप्रेट करके बता दिया। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो हमारा इंडियन लॉ है या वेस्टर्न लॉ है, तो वेस्टर्न लॉ में लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हमने कहा आर्टिकल 14 लॉ है, तो हमने उसको इंटरप्रेट किया कि इसका मतलब सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। इंडियन पीनल कोड है, तो हमने कहा साहब इस सेक्शन का ये मतलब है, ये नहीं है, इस सेक्शन का ये मतलब, यानी व्हाट इज इंटरप्रेटेड बाय जजेस, लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में और इस्लामिक लॉ में लॉ नहीं इंटरप्रेट किया जाता, सोर्सेज इंटरप्रेट किए जाते। तो कुरान और हदीस और इज्मा और कयास, इनको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो लॉ इंटरप्रिटेशन के बाद आता है। वेस्टर्न मगरिब में जो लॉ है वो पहले आता है, इंटरप्रिटेशन बाद में आता है। इसलिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, आपका इंटरप्रिटेशन ये है, इनका ये है, उनका ये है, कोई कह रहा है 8 रकत तरावी है, वो कह रहे हैं 20 है, वो कह रहे हैं तरावी है ही नहीं, वितर में शामिल हो गई, तरह तरह की चीज़ें, ये डाइवर्सिटी आ गई आपकी। तो अगर ये ओपिनियन है एक्स जूरिस्ट का या वाई जूरिस्ट का, तो फिर ये एक इंडिविजुअल का हक है कि वो इस ओपिनियन को माने या उस ओपिनियन को माने, और वो हक मेरे हिसाब से किसी हुकूमत को दस्तूर के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अब हमारे लॉ का कुछ हिस्सा हुकूमत ने लेजिस्लेट कर दिया, जैसे मुस्लिम रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1949 में बन गया, या शरीयत एप्लीकेशन 1937 में बन गया, या 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट बन गया, या वक्फ एक्ट बन गया। तो जब आपके लॉ के किसी हिस्से पे पार्लियामेंट कानून बना दे तो वो हिस्सा लॉ बन गया आर्टिकल 13 के लिए। तो आपके लॉ का कोडिफाइड हिस्सा लॉ है और अनकोडिफाइड हिस्सा ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अपनी बेटियों को हिस्सा देना चाहते थे, जैसे किसी के 2 बेटियां हैं, तो हमारे लॉ के हिसाब से इन 2 बेटियों में बराबर बराबर से 2/3 बटेगा और 1/3 जो है वो भतीजे को चला जाएगा। अब अगर ये साहब चाहें कि साहब हम बेटियों को ही पूरा देना चाहते हैं और हैं सुन्नी तो ये शिया हो जाते हैं, तो कोई भी हनफी कभी शाफई हो सकता है, मालिकी हो सकता है, शिया हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो आपको चॉइस है, जो लॉ का एलिमेंट ऑफ कंपल्जन होता है कि लॉ मैंडेटरली आपके ऊपर लागू है, वो मेरे लॉ में नहीं है। अगर किसी को 3 तलाकें हुई और वो ये चाहते हैं साहब कि मैं नहीं मानता 3 हुई, और उनकी बीवी कहती है कि हाँ साहब नहीं हुई 3, नमन। मतलब अलीगढ़ का एक किस्सा मैं आपको सुना दूं कि एक कोई हमारे दोस्त साहब थे, वो अपना PhD कर रहे थे, तो वो अपने किसी सुपरवाइजर के पास गए, चेक वेक कराने घर जाना पड़ता है PhD के लिए, उतना नहीं है वैसे अलीगढ़ में जितना जसपाल भट्टी ने दिखाया है अपने उसमें PhD में, लेकिन फिर भी
तो वहाँ अक्सर जाते थे। एक दिन जब ये गए तो अंदर से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, तो उसकी लड़ाई की आवाज़ में कुछ ज़्यादा हुई, ये बेचारों ने दरवाज़ा नहीं नॉक किया, तो इन्होंने कहा कि भाई बीवी मैं तो तुम्हें तलाक देता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वापस करती हूँ, और ये अमल कोई 3 बार हो गया। खैर ये बेचारे सोचे आज हालात ख़राब है, जाना सही नहीं है, बिना ऐसे ही वापस आ गए। उसके एक आध हफ्ते बाद ये फिर गए, तो वो जो उनकी मोहतरमा थी वो चाय वाय ले आई जैसे हमेशा लाती थी। अब जब वो चैप्टर वैप्टर चेक होके बाहर निकले तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से सर से पूछा कि सर वो कैसे हुआ मामला, अभी तो इद्दत पीरियड भी पूरी नहीं हुई, क्या कराया। तो बोले मियाँ उन्होंने एक्सेप्ट ही कर की, मैंने उन्हें दी, उन्होंने फौरन वापस कर दी। तो आप कितने ऐसे लोग हैं, हनफी हैं, 3 तलाकें हो गई, जाके फतवा ले लेते हैं अहले हदीस से कि साहब एक ही हुई। यू गेट माई पॉइंट? तो जो मुस्लिम लॉ की नाइसिटीज हैं उसको आई एम सॉरी पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट को समझा नहीं पाया और कोर्ट समझ नहीं पाई। मैंने कई बार ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से कही कि आपको केस आर्गू करने में इस्लाम का नाम नहीं लाना, ये इस्लामिक लॉ का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है हनफी लॉ का, है ना, स्कूल ऑफ लॉ, और स्कूल ऑफ लॉ कोई भी कभी बदल सकता है। अब अगर मैं आपको बताऊं मेरी क्या प्रॉब्लम है करंट जजमेंट से या बिल से, एक किसी एक्स मर्द ने, मुसलमान मर्द ने किसी औरत को 3 तलाकें दे दी। अब अगर वो औरत ये समझती है, और ऐसी हमारे यहाँ बहुत हैं, कि साहब तलाक हो गई, तो हुकूमत को या सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं कि उससे कहें तुम्हारी नहीं हुई। और आप ये देखिए कि रियल केस मैं आपको बताऊं, ये मसरूर अहमद का फेमस केस है दिल्ली हाई कोर्ट, कि मियाँ बीवी थे, अपना झगड़ा हुआ, कुछ झगड़ा हुआ तो वो पुरानी फिल्म के हिसाब से मैं महके चली जाऊंगी, वो महके चली गई। अच्छा जब वो महके चली गई तो रहती नहीं, उन्होंने कुछ मियाँ पे केस वेस कर दिया। अब जब अदालत में दोनों पेश हुए तो हस्बैंड ने ये कहा कि साहब मैं तो इनको रखना चाहता हूँ, तो उनका अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कब तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, चलो फिर यहीं से साथ में चलते हैं। तो वो हाई कोर्ट से ही साहब अपना साथ में चले गए, फिर रहने लगे। अब ये रहते रहते कुछ अरसा गुजरा, तो एक दिन ये जो मोहतरमा थी, इनके कोई नंदोई साहब ने इनको ये बताया कि भाभी वो जब आप वहाँ पे गई थी तो भाई साहब ने तो एक दिन मेरे सामने 3 बार तलाक बोली थी, वो फिर से नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर फिर चली गई मैके, और अब के उन्होंने अपने शौहर पर रेप का केस किया कि मैं इनकी बीवी नहीं थी और इन्होंने मेरे साथ इस तरीके के अजवादी ताल्लुकात मेरी कंसेंट के बिना, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मैं बीवी हूँ और बीवी मैं थी नहीं। और वो केस जब जस्टिस बदरदुर्रेस के सामने आया तो बहरहाल उन्होंने कहा भाई रेप नहीं हुआ क्योंकि 3 तलाकें एक मानी जाएंगी, और ये जब दोबारा आपको ले गए तो वो इन्होंने रिवोक कर दी। तो अगर कोई हनफी औरत ये समझती है कि उसकी तलाक हो गई, तो हमके आरे ऊपर ये हमें राइट नहीं है कि हम उससे कहें नहीं नहीं हुई, ज़बरदस्ती तुम रहो, यही तुम्हारे शौहर है। तो जो हमारे लॉ की नाइसिटीज़ हैं वो हम समझा नहीं पाते, जजेस उनको समझ नहीं पाते। अब बताइए कोर्ट में ये क्वेश्चन आंसर हुआ कि साहब दिखाइए इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखा है कि 3 तलाकें जो हैं उनसे हो जाती हैं 3। अरे भाई हनफी स्कूल है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इमाम अबू हनीफा ने खुद लिखा हो बनफ्स नफीस, उस स्कूल में उनके शागिर्द भी हैं, इमाम मोहम्मद भी हैं, इमाम यूसुफ भी हैं, उन सब की राइटिंग्स, कुछ ओरल स्टेटमेंट्स थे जो डॉक्यूमेंट किए गए। तो बेटर ये है कि पर्सनल एक पब्लिक लॉ होता है, एक प्राइवेट लॉ होता है, ये प्राइवेट लॉ है, प्राइवेट लॉ पे हुकूमत या कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर ना करें, वो वाला एक प्राइवेट स्पेस है, उस स्पेस को वहाँ छोड़ दें, वो बेहतर है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई 3 तलाक के फेवर में हूँ, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि हम ना उस लॉ को समझे ना आर्टिकल 26 को समझे।
आर्टिकल 26 ये कहता है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन यू विल हैव फ्रीडम, एवरी रिलीजन और एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्ट दे आर ऑफ, इसका मतलब आपको हनफी या शाफई या मालिकी या हम्बली होने का हक है, और अगर आप हनफी हैं तो आप पे शाफई लॉ नहीं लगेगा। अगर कोई दो शख्स हनफी हैं तो उन पे हनफी ही लॉ लगेगा, अनलेस वो चाहें कि दूसरा लग जाए। अगर वो चाहेंगे तो उनके ऊपर लगेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि इनको आर्गुमेंट ये करना था कि ये केस हनफी लॉ का है, इसलिए इसके लिए हमें कलाम पाक की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको हिदाया देखनी चाहिए या फतवाए आलमगीरी देखनी चाहिए। जब आप अपने केस को कहेंगे वो मुस्लिम लॉ का है तो फिर तो कुरान देखा जाएगा, है ना, यू गेट माई पॉइंट, और वहां पर फंसते हैं आप लोग। तो बेटर आर्गुमेंट ये ले नहीं पाए। आर्टिकल 44 आर्टिकल 48 दोनों में इस्लामिक लॉज में मुस्लिम लॉज जिसको कहते हैं मुस्लिम लॉज में और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप इंडिया के सबसे बड़े जस्टिस कभी समझे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट की ड्यूटी है स्टेट की कि वो एंडेवर करे कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 ये कहता है और बैन ऑन स्लॉटर मिल्क मिल्चिंग एनिमल्स और डॉट एनिमल्स एंड काउज एंड काफ्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कॉमन सिविल कोड से डिफरेंट है। अब जैसे क्रिमिनल लॉ ले लीजिए, तो क्रिमिनल लॉ क्या एक है मुल्क में? इंडियन पीनल कोड एक है, उसके बाद तरह तरह के अमेंडमेंट तमाम स्टेट्स ने कर रखे हैं इंडियन पीनल कोड में ही। तो किडनैपिंग की सजा दिल्ली में कुछ है, बिहार में कुछ है, आंध्र प्रदेश में कुछ है। सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, मैंने एक बार काउंट किए थे 113 स्टेट अमेंडमेंट। एक लॉ होना, मैंने लिखा है, ये गोल नहीं है। क्या लॉ जस्ट है? तो बहुत से लॉ, यानी जो हिंदू लॉ में आपने रिफॉर्म किया तो एक कोर्ट तो नहीं है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है ना, अलग अलग बाइफरकेट हुए। तो यूनिफॉर्म लॉ का एंडेवर करेगी स्टेट, ये लैंग्वेज है आर्टिकल 44 की। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत से और आर्टिकल्स हैं जिनमें सेम लैंग्वेज है, उनके बारे में कितना एंडेवर हुकूमत ने किया और कितना अदालतों ने उनके बारे में बोला। मैं ये समझता हूं ऑन द क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट हैज ओवर इंफेसाइज आर्टिकल 44 एंड इग्नोर्ड अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब उसमें मेन तो आर्टिकल 39 है कि साहब वी विल इंश्योर दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आपके यहां तो बताइए कितने 1% लोगों के पास 77% वेल्थ है। वी विल इंश्योर दैट देयर आर नो इनइक्वालिटीज, दैट द नेशनल रिसोर्सेज आर सो सब डिस्ट्रीब्यूटेड दैट दे सबसर्व द कॉमन गुड। इनमें से कुछ नहीं हुआ। ये आइडिया जो कोर्ट ने लिखा भी सरला मुद्गल में, मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि सब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी उससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, ये गलत बात है। झगड़ा इसलिए नहीं होता कि आपका निकाह हुआ और मेरी सतपति हुई, ऐसा कौन सा कम्युनल राइट हुआ है बताइए जो पर्सनल लॉस की वजह से हो गया कि आपका शादी का और मीरास का लॉ अलग है और मेरा अलग। तो मैं ये समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में कोई बड़ा गोल नहीं है। अंबेडकर ने तो यहां तक कहा ओनली अ मैड गवर्नमेंट विल इनेक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल। जब वहां बहस हुई तो उन्होंने कहा वी आर जस्ट क्लेमिंग अ पावर टू पास सच अ लॉ, we are not saying we are going to pass a law, इसलिए आप prepare करें। मैंने बार बार ये बात लिखी है uniform civil code in one go will polarize society, divide people, create protest. If we really want that
टू हेल्प वेमेन वी कैन ब्रिंग पीस मील रिफॉर्म. छोटे छोटे अलग अलग लॉज में आप रिफॉर्म्स लाएं. दूसरी चीज, आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है उसको अक्रॉस रिलीजन समझना बहुत मुश्किल है. मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहां तो इतने लोग हैं जो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. हमने हिंदू लॉ में कहा लड़का लड़की को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो आपको यह मालूम है कि नेहरू जी को बहुत सरेंडर करना पड़ा तब पास हुआ. जो 27 लोगों ने लोकसभा में इनिशियली पार्टिसिपेट किया डिबेट, उसमें से 24 ने अपोज किया. अंबेडकर को एज अ लॉ मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा. 1941 में हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी बनी और 55-56 में जाके लॉ बने. यानी टोटल प्रोसेस में आपको लगे तकरीबन 15 साल और आज तक आपका लॉ पूरा नहीं हुआ. मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं. देखिए, आज भी अगर एक हिंदू कपल बे औलादा है, मियाँ आईएएस है, बीवी भी आईएएस है, अब मियाँ मर गए तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उनके वालदेन को जाती है. लड़का जो शोहर है उसके वालदेन को जाएगी. अब बीवी जब मरेगी तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वालदेन को जानी चाहिए, वो भी सास ससुर को जाती है. एब्सर्ड बात है, लेकिन ये है लॉ. तो लॉ रिफॉर्म कोई एक गो में नहीं होता, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. आज भी हिंदू लॉ में कंप्लीट रिफॉर्म नहीं हुआ. लॉ के चेंज होने से समाज में रिफॉर्म नहीं आता. मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे लॉ में ये है, अभी मैंने बताया कि एक तिहाई की वसीयत हम कर सकते हैं और हम वसीयत अपने वारिसान के हक में नहीं कर सकते. यानी अगर मैं चाहूं कि अपनी बेटी या अपने बेटे को एक को दे दूं, फेवरेट को सारी प्रॉपर्टी वसीयत से, तो मैं नहीं दे सकता जब तक बाकी सब राजी ना हो, है ना. गिफ्ट से दे सकता हूं लेकिन वसीयत से नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू लॉ में 1/3 की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वारिसान के हक में वसीयत की पाबंदी नहीं है. तो ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, लॉ तो बना दिया था आपने कि प्रॉपर्टी बेटा बेटी में बराबर बटेगी, लेकिन ज्यादातर वालदेन जो हैं वो ये कहते हैं बेटी से, भैया देखो तुम्हें जो कुछ देना था वो तो दे दिया जहेज के वक्त. आज ही हमको बताया किसी ने कि आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अब ये जितनी जायदाद है इसकी मैं वसीयत तुम्हारे भाई के फेवर में कर रहा हूं. एज अ रिजल्ट 70 साल के बाद आप फीमेल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमंग्स द हिंदूज देख लीजिए कि उनका जो शेयर होना चाहिए था एज पर लॉ और कितना कम उनको मिला है. इसलिए मैंने बार बार लिखा है नॉर्मेटिव चेंजेस इन लॉ डोंट ब्रिंग अबाउट अ सोशल रिफॉर्म. ऑन द अदर हैंड, आप अगर हमारे कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि अलग अलग इक्वालिटी कंसेप्ट है, बहुत मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ. जैसे एक लड़का है, एक लड़की है किसी के, तो लड़के को 10,000 रुपए मिल जाएंगे और बेटी को समझिए 5,000 मिलेंगे. अब लगता है ये तो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट के बहुत ही ज्यादती हो रही है और दस्तूर के हिसाब से तो ऐसी बकवास चीज होनी नहीं चाहिए. लेकिन उसी लॉ के तहत ये स्कीम बनाई गई कि हर लड़की जो शादी करेगी उसको समाज का कोई लड़का जो है वो मेहर देगा. अब समझिए कि मेहर 5,000 है, तो ये जो बहन है इसको हमारी ही समाज का कोई एक बेटा 5,000 देगा, तो उसके कितने हो गए, 10 हो गए. और ये जो भाई हैं जिनके पास 10,000 थे, ये किसी एक लड़की को देंगे मेहर. सेम अमाउंट रखिए, कितना देना है 5,000, तो इनके कितने हो गए 5, और लड़की के कितने हो गए बहन के, इनकी 10. और ये जो साहबजादे हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बीवी बच्चों का पूरा नॉन नफका देंगे, अपने वालदेन का देंगे, तो इनके 5,000 तो गए सब, ये जीरो हो जाएंगे. और वो जो लड़की है उसको हमारे कानून के तहत उसका हस्बैंड छू भी नहीं सकता उसकी प्रॉपर्टी को. जो कुछ एक मुसलमान लड़की अर्न करती है वो एब्सोल्यूट ओनर है उसकी. जो कुछ उसको मीरास में मिलता है उसकी एब्सोल्यूट ओनर है. जो कुछ मेहर में उसको मिलता है उसकी एब्सोल्यूट ओनर है. कुरान में सिर्फ इतना कहा है कि अगर वो अपनी मर्जी से उसमें से कुछ दे दे तो आप बहुत लकी है, ना दे तो कुछ नहीं. और इस हद तक जिम्मेदारी डाली कि दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी बच्चे की बाप की है.
शी कैन फिक्स द प्राइस। अगर आपको बेस्ट फीट चाहिए अपने बेटे के लिए, मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन पर डे लूंगी 5,000, फिक्स कर सकती है, आपको कंपनसेट करना है उसको, ड्यूटी नहीं है उसकी। कोई हिंदुस्तान मुस्लिम लॉ में किसी मदर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीड कराए, ये फादर की ड्यूटी है कि अरेंज करे। तो वो 10,000 जो उस औरत के हैं, वो हमारी स्कीम से एफडी हैं उसके, और इन साहब के जो इवेंचुअली हैं ये जीरो हैं। यू गेट माई पॉइंट? सो यू हैव टू गो लिटिल डीपर। हम जाते नहीं, जजेस को समझाते नहीं, हमारे पास लॉयर्स नहीं। मैंने बार बार ये बात कही है, फिर आज इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगर हमारी कम्युनिटी को या हमारे देश के सिटीजन्स को राइट्स चाहिए, हुकूक चाहिए, तो भाई इंजीनियर डॉक्टर तो राइट्स नहीं दिला सकते ना, राइट लॉयर्स दिलाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को लॉ कराएं, और अच्छे लॉ कॉलेजेस से लॉ कराएं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करें और क्लैट की तैयारी करें। थैंक यू। शॉट तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।